वालों उसको ध्यान से समझना, अभी अभी आपने दो रास्ते देखे हैं, दो एक्सट्रीम सिचुएशंस देखी हैं, और वो दोनों ही गारंटीड फेलियर की तरफ जा रही है, दोनों पर गारंटीड फेलियर है। और 90% से ज्यादा लोग इस पूरी दुनिया में जाने या अनजाने इन्हीं दोनों रास्तों पर चल रहे हैं। अब ये क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करो कि यहां पर एक स्विमिंग पूल है बड़ा सा, और एक तरफ डीप वाटर है, एक तरफ शैलो वाटर है। यहां पर उस स्विमिंग पूल के साइड में तीन लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। जो पहला आदमी है वो सोच रहा है मन ही मन कि यार ये स्विमिंग करने का मन तो है मेरा बहुत। अब देखो यहां पर ना सक्सेस और फेलियर की भी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि वो क्या है। इन तीनों का ही डिजायर है, बर्निंग डिजायर है कि हमको स्विमिंग करनी है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर लें तो वो क्या है, सक्सेस है। और अगर आप करना चाहते हैं अपने पूरे दिल से और उस काम को ना कर पाए मरते दम तक तो वो क्या है, फेलियर है। सो सिंपल। तो ये तीन लोग हैं यहां पर जो आराम से देख रहे हैं लोगों को स्विमिंग करते हुए। और पहले वाला जो बंदा है वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है कि यार ये जो कर रहे हैं ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, इतना गहरा पानी है, ऊपर रह कैसे पा रहे हैं, मैंने कई बार ट्राई किया मैं नहीं रह पाता। और उसका मन तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया और डूब गया तो क्या होगा, कोई मुझे बचाएगा भी या नहीं बचाएगा, चलो मेरा तो जो होगा सो होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। और उसने मरते दम तक कभी भी ट्राई ही नहीं किया स्विमिंग करने का। तो ये रास्ता कहां जा रहा है, गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी जड़ क्या है कि स्विमिंग करना मुश्किल है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज बैठी हुई है, तभी सारे के सारे डर है ना, तो उसके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है और वो मुश्किल धीरे धीरे नामुमकिन बन गया, मुश्किल की हजार वजह उसके सामने आ गई और उस डर की वजह से वो बंदा पैरालाइज हो गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही एक्शन लेने की। दूसरा वहां पर जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसने देखा वहां पर लोगों को स्विमिंग करते हुए और देख करके वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है इसमें क्या बड़ी बात है, गहरे में देख रहा है लोगों को स्विमिंग करते हुए, उसको स्विमिंग आती नहीं है, करना है, डिजायर है, लेकिन देख करके बोल क्या रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, इनसे अच्छा तो मैं कर लूंगा। जैसे आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बंदा ढंग से बैटिंग नहीं कर रहा, मतलब उससे दो तीन बॉल मिस हो गई और सामने से आपका एक गोलू मोलू से दोस्त बोल रहा है, कहता है यार ये क्या खेल रहा है, इससे बढ़िया तो मैं खेल लूंगा। होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। तो वही हुआ उसके साथ में कि उसने देखा और देख करके उसने अपने दिमाग में बोला ये क्या है, संदीप महेश्वरी बोलता रहता है आसान है आसान है आसान है, वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, जा करके उसने सीधा जा करके छलांग लगा दी गहरे पानी। अब इस बंदे का क्या होगा, बताने की जरूरत है, गारंटीड या तो डूबेगा, डूबा तो मरा, या अगर किसी की नजर पड़ गई तो उसको उठा करके बाहर रखेंगे और पूछेंगे भाई क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्यों किया ये सब। और ये भी रास्ता गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है क्योंकि जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है हम सीधा जा करके गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, एक तरफ तो हमारे दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, एक तरफ इतनी जल्दीबाजी है कि बिना सोचे समझे हम एकदम से छलांग लगा रहे हैं। यहां पर भी मरे ही मरे क्योंकि अगर वो बंदा बच भी गया, उसको किसी ने बचा भी लिया तो जिंदगी भर के लिए उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैंने स्विमिंग करी थी मैं नहीं कर पाया, डूबते डूबते बचा, अब मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। ना तो वो स्विमिंग ट्राई करेगा ना ही कुछ और ट्राई कर पाएगा क्योंकि बार बार उसको अपना वो फेलियर याद आएगा कि यार जो मेरे साथ स्विमिंग में हुआ था वो कहीं यहां भी ना हो जाए, वो डर हमेशा के लिए उसको अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो ये दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं, फेलियर की तरफ, गारंटीड फेलियर की तरफ। इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो तीसरा लड़का बैठा हुआ है उसने क्या किया, उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, ना तो वो डरा, उसने कहा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं, इनकी भी दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर हैं, स्विमिंग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन सीधा जाकर के उसने छलांग नहीं लगाई गहरे पानी में, उसने जाकर के उन लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं, उनसे समझा कि स्विमिंग आपने कहां से सीखी थी, कैसे शुरुआत करी थी। उन लोगों ने इशारा किया कि अभी हम यहां कर रहे हैं गहरे पानी में, लेकिन हमने शुरुआत वहां से करी थी। हर आदमी की शुरुआत तो शैलो वाटर से ही होती है ना,
और उस बंदे ने उस बात को समझा, सीखा और शैलो वाटर में गया और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है जो भी उसको बात समझ आई, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और क्या यहां पर उस शैलो वाटर में उस बंदे के लिए कोई रिस्क है, कोई डर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? यस और नो? कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जमीन पर है। सो सिंपल। तो उसने क्या किया, जा करके शैलो वाटर में स्विमिंग को करना सीखा, धीरे धीरे ट्राई करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसको स्विमिंग आ गई। अभी भी डीप वाटर में जा करके सीधा सेंटर में नहीं गया वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी टक्कर हुई तो डूबा तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो वो साइड साइड में स्विमिंग कर रहा है गहरे पानी में, शैलो में सीखने के बाद में, ताकि अगर कभी डूबा तो पास में रॉड है जिसको पकड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। जब वहां पर एक्सपर्ट हो गया तो वो कहां गया? गहरे पानी में। किसने रोका है? अब उसको आ गई है स्विमिंग। अब उसके लिए स्विमिंग करना जो पूरी दुनिया के लिए हवा है, डर है, उसके लिए क्या है? आसान है, खेल है, बच्चों का खेल है। कितने लोगों को स्विमिंग करना आता है? किसी को भी मुश्किल लगता है? No. नहीं लगता। यस और नो? जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा हुआ है कि भाई कैसे करूं, क्या करूं, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूं। ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। तो अब वो गहरे पानी में स्विमिंग कर रहा है तरह तरह से, और अपने आप ही सीखता चला जा रहा है, कभी सीधी स्विमिंग, कभी उल्टी स्विमिंग, कभी डाइव मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जब वो एक्सपर्ट हो गया और अभी भी उसका कोई डिजायर है कि और आगे बढ़ूं, तो क्या अब वो यहां से निकल करके एक बड़ी और गहरी नदी में स्विमिंग कर सकता है? यस और नो? यस। अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब वो स्विमिंग सीख चुका है, जो दुनिया के लिए देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस करी है वहां पर कि उसके लिए नदी में स्विमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे लहरों के साथ तैरना हो, चाहे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो कितना मजेदार है कि ये सारी बातें हम सबको पता है, हम सबको पता है, क्योंकि हमने कोई भी स्पोर्ट्स खेलना सीखा है तो वो बिल्कुल ऐसे ही सीखा है। स्विमिंग किसी ने भी सीखी है, सबने यही किया है। वो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि उसने जाकर के छलांग लगा दी। कोई छलांग लगाता है क्या स्विमिंग सीखने के लिए? नहीं। तो स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस में आकर के हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। और जाने अनजाने एक ऐसे ट्रैक पे निकल जाते हैं जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, जिसको हम देख ही नहीं पाते, और जब तक देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक या तो डूब चुके होते हैं या फिर खेल खत्म हो चुका होता है। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, यही जो लोग आप में से बैठे हुए हैं ना उसी से रिलेटेड, ताकि आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे रियल लाइफ में अब क्या हो रहा है। मैंने भी आपको एक स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया। आप में से कितने लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, या तो स्कूल में या कॉलेज में, या जॉब कर रहे हैं, पूरा सुन लो, या जॉब कर रहे हैं और आगे जाकर के अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, और सिर्फ चाहते नहीं है, उनका बर्निंग डिजायर है कि मुझे हर हालत में अपना बिजनेस करना है, एक ना एक बार ट्राई जरूर करना है। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक सच बात बताऊं आप लोगों को, सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन सच है, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। तो सच बात यह है, बेस्ड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ सर्वेज एंड रिसर्चेस वर्ल्ड वाइड, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई है जहां से डेटा निकल करके आया है, और उस डेटा के बेस पे मैं आपको ये बात बोलने वाला हूं कि अभी जितने भी लोगों ने हाथ ऊपर किया था, बहुत लोगों ने किया था, मोर देन 80%, एक बार दोबारा करेंगे, इनका बर्निंग डिजायर है कि बिजनेस करना है, कड़वा सच ये है कि आप में से जितने भी लोगों ने अभी अपना हाथ ऊपर किया है, 90% से ज्यादा लोग गारंटीड फेल होने वाले हैं, गारंटीड फेल होने वाले। सोचो, किसी को लग रहा है, एक को भी लग रहा है कि मैं फेल होऊंगा? अगर लगता तो वो हाथ ही ऊपर क्यों करता, वो डिजायर उठता ही क्यों उसके अंदर? अच्छा, आपको लग रहा है और आप फिर भी करोगे? ये बात दबंग 3, वेरी गुड। तो सबको लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे, हम तैर पाएंगे, लेकिन डूब जाएंगे। क्यों? वजह क्या है? और बताऊं किस तरह से फेल होंगे?
आप में से जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किया था, आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है जिसके बेस पे मैं ये बात कर रहा हूं, कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो मरते दम तक बिजनेस करने का कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। मतलब कि वो फेल हो जाएंगे, इसलिए नहीं कि उन्होंने किया और फेल हो गए, इसलिए कि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, वो डिजायर उनके अंदर ही चला गया। बाकी के जो 50% लोग बचे, उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि वो बिना सीखे कि बिजनेस क्या है, बिना समझे कि बिजनेस क्या है, बिना लर्निंग पे फोकस किए, अर्निंग को ध्यान में रख करके बड़ा से बड़ा स्टेप उठाएंगे और बुरी तरीके से फेल होंगे। मतलब सीधी उस गहरे पानी में जाकर के छलांग लगाएंगे, गारंटीड, गारंटीड। और अपने आसपास में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लाखों लोग नजर आ जाएंगे जो यही गलती बार 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 कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ किस तरीके से। मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे मिल चुके हैं जो जब भी कभी मैं कहीं किसी फंक्शंस में जाता हूँ या ये Q&A सेशंस होते हैं, अलग अलग जगह पर लोग मिलते हैं, तो लोग ज़्यादातर अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई देखो मेरा ये ड्रीम था ये बिज़नेस करने का, और मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग जो भी मैंने जॉब में से कमाई थी वो सारी ले आकर के उस बिज़नेस में लगा दी। कोई कहता है मैंने लोन लिया, कोई कहता है मैंने लोगों से पैसा उधार लिया, कहता आइडिया भी बढ़िया था, मुझे लग भी रहा था मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं बुरी तरह से फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ बताओ। एंड में वो पूछते हैं अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं कहा अभी बताता हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने बिज़नेस करना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने बिज़नेस करना कहाँ से सीखा। जो मैंने स्विमिंग का एग्जांपल आपको दिया था, उसने जा करके छलांग लगा दी और वो डूब गया, तो उससे बंदा क्या पूछेगा कि भैया स्विमिंग करनी आती थी या नहीं? नहीं आती थी तो क्यों कूदा? तो मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा बिजनेस करना कहां से सीखा, कई छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करी बिजनेस करने की, सीधा जाकर के 10 लाख रुपए लगा दिया, 20 लाख रुपए लगा दिया क्योंकि आइडिया अच्छा है, क्या मतलब है? कहीं से समझा? किसी ने आपको गाइड किया? कोई बंदा जो सक्सेसफुल हुआ हो, या अपनी दादी और नानी के साथ में बैठ करके प्लान डिस्कस किया? किसके साथ डिस्कस किया भाई? किससे सीखा ये तो बता दे, कहां से सीखा, कैसे सीखा? किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, दे डोंट हैव एनी क्लू, बिलीव मी। बार बार वो घूम फिर के आ जाते हैं, यार लेकिन आइडिया तो ऐसा था, मेरा प्लान तो ऐसा था। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, मैंने कहा बता भाई सीखा कहां से? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपको चेस खेलना आता नहीं है। इमेजिन करो आपको चेस नहीं खेलना आता, आपको यह नहीं पता कि जो हाथी है वो सीधी चाल चलता है, जो ऊंट है वो टेढ़ी चाल चलता है। आप हाथी को टेढ़ा चला रहे हो, ऊंट को सीधा चला रहे हो, और जा करके एक चेस कॉम्पिटिशन में बैठ गए एक ऐसे खिलाड़ी के सामने, एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने जो सालों से चेस खेल रहा है। बिजनेस में, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, चेस से रिलेट करो, बिजनेस और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है। एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने बैठ गए, एक ऐसे खिलाड़ी के सामने जो एक्सपर्ट है चेस के अंदर। आपने घर में भी चेस नहीं खेला, आपको पता ही नहीं चेस है क्या, बस आपको लग रहा है कि मैं उसको हरा दूंगा, और वहां पर आपका मजाक बन रहा है, लोग हंस रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट बिक जाएगा बिक जाएगा बिक जाएगा, कोई मार्केटिंग प्लान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कैसे बिक जाएगा, कहां से आएंगे कस्टमर, हवा में से आएंगे? 1 लाख प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, अरे 1 लाख छोड़ तू, एक बता कैसे बिकेगा बता। जैसे एक बड़ा मज़ेदार सा एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ महीने पहले, करीबन 4-5 महीने पहले, हमारे फैमिली में एक फंक्शन था, वहाँ मेरा एक कज़न मुझे मिला और उसने अपना पूरा केस बताया। मेरे जो अंकल हैं, मतलब कि उसके पापा, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इसको बिज़नेस में लॉसेस हुए, अंकल ने कैसे अपनी कमाई उसमें बिज़नेस में लगाई, क्या क्या हुआ। तो मैं बैठा रहा 1 घंटे तक, सुनता रहा आराम से बैठे बैठे, मैं अपना डोसा खा रहा था, मेरे को डोसा खाने का कभी शौक नहीं, हाँ बोलता रहे तो अपनी पूरी बड़ास निकाल ले, भैया मैंने ये किया, भैया मैंने वो किया, भैया मेरा ये प्लान था, भैया मेरा वो प्लान था, ये था वो था वो था, सारा कुछ जब उसने खत्म कर लिया अपनी पूरी रामायण। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तूने बिजनेस करना कहाँ से सीखा, बता तो सही, कहीं से सीखा होगा? तो हंसने लग गया, कहता भैया कैसी बातें कर रहे हो, कहता मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो कहता मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अकाउंट्स पढ़ी है,
मैंने कहा तूने पढ़ी है बिजनेस स्टडीज, 11th क्लास में पढ़ी है? कहता हाँ पढ़ी है। मैंने कहा एक बिजनेस की डेफिनेशन थी करीबन 10 लाइन की, जो तूने उस टाइम पर रट्टा मारा होगा, तेरे को याद होगी, सुना मुझे, याद है कि क्या है बिजनेस? अरे तेरे को डेफिनेशन तक याद नहीं है। तो मैं भाई रट्टा लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं सीखने की बात कर रहा हूं, और ये दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं। दोनों चीजों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी मैं अपने किसी सेशन में बोलता हूं ना, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं, तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या गलतफहमी हो जाती है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को हुई हो, उन्हें लगता है कि मैं स्कूल्स की बुक्स की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बुक्स की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे है, लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं। अब ये लर्निंग क्या है, इसमें तीन सिंपल से स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन। क्लियर है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा उन लोगों को जो उस काम को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। सिंपल, जब तक आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं, माइंड में कुछ और ही बोल रहे हैं। मतलब कि अगर आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको मुझे ऑब्जर्व करना होगा, मुझे सुनना होगा, लिसन करना होगा। और हमारी आदत क्या है इससे बिल्कुल अलग है, कि सामने से कोई कुछ बोल रहा होता है और अपने माइंड में कुछ ही कुछ सोच रहे होते हैं, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इस लिसन वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये निकला है साइलेंट वर्ड से, SIL, उसको उल्टा कर दो बन गया LIS, जो एंड में आ रहा है ENT उसको आप घुमा दो, उसको कर दो TEN, क्या बन गया, लिसन। तो आप तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपका माइंड पूरी तरीके से साइलेंट ना हो। सो सिंपल। ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या करना होगा, किसी भी चीज को अगर करना सीखना है तो, क्रिकेट खेलना सीखना है तो क्या करना होगा, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर्स को ऑब्जर्व करना होगा। बिजनेस करना है तो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग फेल हो रहे हैं, उन दोनों को ऑब्जर्व करना होगा, दोनों से सीखना होगा और फिर बिजनेस को करना होगा। सिंपल। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कि जो ऑब्जर्व किया उसको समझना भी पड़ेगा भाई, कि क्या ऑब्जर्व किया, कि अगर बिजनेस करना है तो दोनों तरह के लोगों को ऑब्जर्व किया, जो सक्सेसफुल हैं और जो फेलियर्स हैं, बारीकी से ऑब्जर्व किया, किस चीज को ऑब्जर्व किया, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व किया, कि वो क्या करते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, और उनके थॉट्स को ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से सोचते हैं, उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से अलग है उन लोगों से जो फेल हो रहे हैं, क्या फर्क है इन दोनों के नजरिए में, फर्क होता है, यस और नो? तो उसको आपने ऑब्जर्व किया। अब वो कैसे करोगे, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उसमें आपको क्या करना है, जाकर के उनकी बुक्स को पढ़ना है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना है, उनकी वीडियोज को देखना है, उनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग का लेवल आता है, आपको समझना है कि इसमें से जो भी ये सही कर रहे हैं उसमें से क्या है जो आज आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो सब कुछ जो वो आज कर रहे हैं वो सब आप आज अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर पाओ। तो जैसे ही आपको ये बात समझ आई, अब आता है तीसरा स्टेप कि आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, छोटे से छोटे लेवल पे, मतलब कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अप्लाई ही ना करें, प्रैक्टिस ही ना करें तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कोई अंत नहीं है, सुनते रहो। मतलब कि अगर मेरा ये सेशन आप देख रहे हो, इसमें 1000 बातें मैं करने वाला हूं, इसमें से अगर आपने 2 बातें भी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है, कुछ बदलेगा ना, थोड़ा सा ग्रो कर गए ना। सो क्या किया आपने, आपने प्रैक्टिस किया,
मतलब कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, उसको आपने प्रैक्टिस किया, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको दो तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो अच्छे एक्सपीरियंसेस या बुरे एक्सपीरियंसेस, और इन दोनों एक्सपीरियंसेस से जब आप कुछ सीखते हो तो उसको बोलते हैं लर्निंग। ये है लर्निंग। इस लर्निंग की पूरी फाउंडेशन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपका माइंड, जिसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब आप कुछ सीख रहे हो तो आपका माइंड पूरी दुनिया से हट करके उस जगह पर आ जाए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से उस जगह पर हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर हो जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सुन रहे हो, आपका सारा ध्यान वहां होना चाहिए। और स्कूल्स में क्या हो रहा है? कुछ अलग हो रहा है। की जो मेमोरी है, मेरे माइंड की जो मेमोरी है, उसमें सब फीडेड है। आज आप मुझे कहो नॉन स्टॉप 16 घंटे तक डेली काम करना है, बिना थके बिना रुके, और एक ऐसा काम जो बिल्कुल बोरिंग है, मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। इंटरेस्टिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, मैं इंटरेस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बोरिंग काम। क्यों हो पा रहा है ये चीजें? ऑब्जर्वेशन पावर्स, लर्निंग एटीट्यूड, सीख लूंगा ना, बोरिंग है तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बना लूंगा ना, टिक जाऊंगा ना, मैं ये सोच लूंगा कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाने की लर्निंग चल रही है। अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने माइंड को टिकाना आ गया तो इंटरेस्टिंग जगह पर टिकाना तो खेल है ना भाई। तो सिंपल, और एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया तो पैसे का क्या है, जितना मर्जी कमा लो, कोई रोक सकता है आपको? अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, बिजनेस में एक एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, आप कोई भी बिजनेस कर लो ना। तो अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको समअप करना हो तो वो ये है कि जिंदगी में तीन रास्ते हैं, और इन तीन रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी है, वो डिसीजन आपके लिए, आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता। पहला रास्ता जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है वो है डर का रास्ता, फेलियर का डर। बड़ा खतरनाक रास्ता है ये, और बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ नहीं है वहां, फेलियर ही फेलियर है, जीते जी मर जाओगे, जो करना चाहते हो अगर वो ही नहीं किया तो क्या फायदा है जिंदगी का, सिर्फ जिंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगे। ये एक रास्ता है, चूज करना है, आपकी चॉइस है। एक दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता, कि फटाफट से बस गेट रिच क्विक, कि फटाफट से अर्निंग आ जाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े। ये क्या बोरिंग काम बता रहे हो, सीखना पड़ेगा? अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फटाफट से 6 महीने में किसी कंपनी में जाकर के पैसा लगाऊं 50,000, 6 महीने बाद 1,00,000 रुपए मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला, ये एक रास्ता है, इसको बोलते हैं फोकस ऑन अर्निंग, लालच का रास्ता। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जो गारंटीड सक्सेस की तरफ जा रहा है, वो है लर्निंग का रास्ता, सीखने का रास्ता, खेल का रास्ता, खिलाड़ी बनने का रास्ता, भिखारी बनने का नहीं, भिखारी बनने का नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, और होगा क्या कि जैसे ही आप इस रास्ते पर चलोगे, चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूं पता भी नहीं लगेगा कि कब आप एक नॉर्मल बीइंग से सुपर ह्यूमन बन जाओगे, पता भी नहीं लगेगा।